हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। चीन में यांगसी नामक एक गांव बसा हुआ है जो अपने एक विचित्र कारण के लिए जाना जाता है। इस गांव की एक विशेषता है कि इसमें रहने वाले लगभग लोग बौने हैं। इस गांव को लोग बौनों का गांव भी कहते हैं, परंतु इस गांव में इतने अधिक लोग बौने क्यों होते हैं यह भी अज्ञात है। इस गांव में रहने वाले 80 में से 36 लोगों की लंबाई मात्र 2 फीट 1 इंच से लेकर 3 फीट 10 इंच तक है। इतनी ज्यादा तादाद में लोगों के बौने होने के कारण यह गांव बौनों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार उनकी खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी कई दशकों पहले ही खत्म हो चुकी थी, जब उनके प्रांत को एक खतरनाक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद से कई लोग अजीबोगरीब हालत से जूझ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर 5 से 7 साल के बच्चे हैं। इस उम्र के बाद उनकी लंबाई रुक जाती है। इस इलाके में बौनों को देखे जाने की खबरें 1911 से ही आती रही है। 1947 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने भी इसी इलाके में सैकड़ों बौनों को देखने की बात कही थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस खतरनाक बीमारी का पता 1991 में चला, जब प्रशासन को पीड़ितों के अंग छोटे होने की शिकायत मिली। 1985 में जब जनगणना हुई तो गांव में ऐसे करीब 119 मामले सामने आए। समय के साथ ये रुकी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी भी आगे बढ़ती गई। इसके डर से लोगों ने गांव छोड़कर जाना शुरू कर दिया, ताकि बीमारी उनके बच्चों में ना आए। हालांकि 60 साल बाद अब जाकर कुछ हालात सुधरे हैं। अब नई पीढ़ी में ये लक्षण कम नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस गाँव की पानी, मिट्टी, अनाज आदि कई मरतबा अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन वो इस स्थिति का कारण खोजने में नाकाम रहे हैं। 1997 में बीमारी की वजह बताते हुए गांव की जमीन में पारा होने की बात कही गई, लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सका। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसका कारण वो जहरीली गैसें जो जापान ने कई दशकों पहले चीन में छोड़ी थी। हालांकि एक तथ्य है कि जापान कभी भी चीन के इस इलाके में नहीं पहुंचा था। ऐसे ही समय समय पर तमाम दावे किए गए, लेकिन सही जवाब नहीं मिला। अब गांव के कुछ लोग इसे बुरी ताकत का प्रभाव मानते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि खराब फेंगशुई के चलते ऐसा हो रहा है। वही कुछ का ये कहना है कि ये सब अपने पूर्वजों को सही तरीके से दफन ना करने के चलते हो रहा है। ये रहस्य केवल मनोरंजन और सामान्य ज्ञान के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसे उसी दृष्टिकोण से देखें। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।